न्यूज़, सच जरूरी है। यह है एमएनएस न्यूज़ नेट और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अकोला, कर्नाटक महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में खुद को दोहराएगा अंबादास दानवे। नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे पहले राजेश्वर मंदिर गए और फिर मृतक विलास गायकवाड़ के घर शोक यात्रा की। विधायक नितिन देशमुख और अंबादास दानवे राजेश्वर मंदिर में दर्शन कर दंगा प्रभावित क्षेत्र में सिंचाई करने के लिए निकल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सपने में रहना चाहिए, कर्नाटक महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में खुद को दोहराएगा। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। अकोला, नाना पटोले ने अकोला दंगों में मारे गए विलास गायकवाड़ के परिजनों से मुलाकात की। अकोला शहर में 13 मई की रात सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए जिसके बाद पथराव और आगजनी हुई। हालांकि लाइनमैन का काम करने जा रहे विलास गायकवाड़ की मौत जवानों के पथराव में पत्थर लगने से हो गई। मृतक विलास गायकवाड़ के परिजनों ने आज परिजनों की मुलाकात की, मृतक विलास गायकवाड़ की ओर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। नासिक, चांदवाड़ में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की इंडिया का थिया आंदोलन। नासिक जिले के उपाध्यक्ष राजाबाऊ अहिरे के मार्गदर्शन में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने नागरिकों के साथ चंदवाड़ में नगर पालिका परिषद प्रमुख के हॉल में विभिन्न मुद्दों को उठाया। चंदवाड़ शहर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नगर सोमवार हड्डी में शिविर के पिछले हिस्से में भूमिगत पाइप डालने को लेकर चांदवाड़ नगर परिषद की ओर से ध्यान नहीं दिए जाने का कारण चंदवाड़ नगर परिषद परिसर में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। चूंकि ये नाले खुले हैं, इसलिए पहाड़ी इलाकों से आने वाला बारिश का पानी बल में आ रहा है, इसलिए बड़े बड़े सांप बिच्छू कांटे इनमें आ जाते हैं और घर की छत में फंस जाते हैं। इससे रात के समय नागरिकों को खतरा हो रहा है। इस उद्देश्य से कई कार्य को शीघ्र करने का प्रस्ताव किया है। इस संबंध में एक महिला नंदा मोरे ने और भी जानकारी दी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी एस डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewsfeed.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है एमएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।